एक बात मैं आपको बड़े विनम्रता पूर्वक कहती हूँ, मेरे माई बाप मेरी बात सुन लेना, आप इतने बिजी मत बनो कि बच्चों के पास बैठने के लिए आपको टाइम ना हो। अगर आप आज बचपन में बच्चों के नहीं बने तो जवानी में बच्चे आपके नहीं बनेंगे, ये आप नोट करके रखो। इसलिए आप सत्संग के लिए चलते हो तो भले ही छुट्टी करानी पड़े घर से, बच्चे का हाथ पकड़ करके लाओ। एक मुझे याद आती है, हमारे बुधवाड़ा के तिवारी जी थी, जहां भी क्षेत्र में कथा हो अपनी नन्नी सी उनकी नातिन थी या बेटी थी उसको लेकर के बराबर उपस्थित होते थे। ऐसे ही वो माँ बाप बच्चों के श्रद्धा के भाजन बनते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को सत्संग में ले जाते हैं। ये जो आप बैठे हुए ना आज कथा में, ये आप अपने बल पर नहीं बैठे हो, आपके माँ बाप ने आपको ये सिखाया है तब आप बैठे हुए हो। इसलिए आगे भी आप चाहते हो कि बच्चे बैठे तो उन्हें भी लाके सिखाओ, तब वो बैठ पाएंगे, नहीं तो कथा में 3-4 घंटे बैठना आसान नहीं है। हाँ, अगर आपके संस्कार नहीं होते, भगवान की भक्ति आपके दिल में नहीं होती तो आप बिल्कुल कथा में नहीं बैठ सकते। इसलिए अपने बच्चों के बीच में बैठो, कभी रामायण की भी बात सुनाओ, कभी गीता की भी बात सुनाओ, कभी भागवत के भी प्रसंग सुनाओ, तब बच्चे आपके संस्कारवान बने। बच्चों को रामायण में ले जाओ, बच्चों को कथाओं में ले जाओ, बच्चों को यज्ञ की परिक्रमा दिलाओ और बच्चों को कभी कभी संतों के पास ले जाओ। इसलिए तो एक होते धार्मिक और एक होते धर्मवान, जो खुद पाठ करते हैं, खुद बच्चों से कराते हैं, और धर्मशील। अब आपको अलग से उदाहरण दें कि धार्मिक वो है जो लोटा में थोड़ा सा पानी है वो जल के है, उसमें जल है, और जो लोटा आकंठ जो बर्तन मुख तक पूरा लबालब भरा हो वो क्या है, जलवान है, वो जलवान है। और जब आप उस लोटे को ऐसी बाल्टी में डाल दो, सरोवर में डाल दो, जिसमें अंदर भी पानी और चारों तरफ पानी ही पानी, उसका नाम है जलशील। उसी तरह से जो अंदर से भी धार्मिक हैं, बाहर से भी धार्मिक हैं, वो धर्मशील होते हैं। हमारे यहां कर्मकांड में हमारे पुरोहित लोग एक मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्रम पवित्रम वा सर्वावस्थानं गतो पिवा स्मरे पुनरीकाक्षम स्वाहि अभ्यंतरा शुचिः। ये मंत्र क्या कहता है, जल छिड़कते हैं, इससे कहते हैं वायु, आपके शारीरिक वायु शुद्धि हो जाए। लेकिन ये मंत्र कहना है जल से नहीं होगी अंदर की शुद्धि, क्योंकि अंदर नहीं जाएगा जल, तो यहां स्मरेत पुंडरीकाक्ष, जो पुंडरीकाक्ष मणि कमल सदृश नैनों वाले भगवान नारायण को, भगवान राम या कृष्ण को अंतःकरण में ध्यान करते हैं, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाहि अभ्यंतरा शुचि।